चलिए दोस्तों, वर्जन 1.4.2 इसमें खास इंप्रूवमेंट मैं आपको बता देता हूं। ये वैसे ही काम कर रहा है और जो नए लोग देख रहे हैं उनके लिए भी है। ये मास्टर एक्सेल शीट है क्या? ये बेसिकली आपका सारा इनवॉइस का डेटा यहां पर आपको एंट्री करनी है। आप जैसे जैसे आप अपनी इनवॉइस के डेटा यहां पर एंटर कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका B2B, B2cl और B2cs और HSN ये सारे शीट ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो मैंने आपका मैक्सिमम हेडेक कम कर दिया है। गवर्नमेंट ने मास्टर एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म तो निकाला है, लेकिन एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म में कौन सा डेटा जाएगा, कौन सा डेटा B2B में जाएगा, कौन सा डेटा B2cl में जाएगा, कौन सा डेटा B2cs में जाएगा, ये गवर्नमेंट ने रूल्स और एक्ट्स में बताया है। और वो रूल्स और एक्ट्स इसमें हमने फॉर्मूले में अप्लाई करके ये हमने बनाया है। और क्या करना है आपको, या तो आप GSTN वालों को बेच रहे हैं या GSTN वालों को नहीं बेच रहे। अगर GSTN वालों को बेच रहे हैं, जहां जहां GST का नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली वो B2B में चला जाएगा। और आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, जैसे यहाँ 4 लिखा हुआ, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 11, यहाँ 12, तो देखिए 4, 6, 7, 9, 11, 12, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13। तो अब हजारों हजार इन्वॉइस पे इन्वॉइस एंटर करते रहिए। यहाँ इसमें करीब करीब 1500 से लेकर एंटर कर सकते हैं, 1657। और ये शीट प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड इसलिए है क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगा हुआ है। वो एक भी फॉर्मूला इधर से उधर हो गया, ये पूरी शीट खराब हो सकती है, इसीलिए प्रोटेक्टेड है। आपको ये शुरुआत कैसे करनी है, आपको मास्टर डेटा में जाके आपको अपने प्रोडक्ट्स के HSN कोड लिखने हैं। अगर आपको, और कितने टोटल प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं इसमें, 108-2, 106 प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं। अगर आपको HSN कोड नहीं एप्लीकेबल है तो भी आपको कोई ना कोई नंबर यहां पर लिखना जरूरी है, नहीं तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, कोई ना कोई नंबर लिखना है। तो ये डेटा आपको अपने आप फिल करना है। तो मान लीजिए 5485, मान लीजिए आप भरते हैं लैंडलाइन फोन। ठीक है, अब ये लैंडलाइन फोन किस पीसेस में बिकता है, तो आप यहाँ पीसेस भर सकते हैं। यूनिट्स में बिक सकता है, बॉक्स में बिकता है बॉक्स में। रेट आपको यहाँ पर भरना है सेलेक्ट करके 12, और अगर सेस लगता है तो सेस, नहीं तो 0 लिख दीजिए। ठीक है, जैसे आप ये लिख देंगे उसके बाद आप अपना इन्वॉइस निकालिए। इन्वॉइस में या तो GSTN नंबर है तो वो यहाँ लिखिए। प्लेस ऑफ सप्लाई आपको लिखना होगा यहाँ, अगर आपको लगता है प्लेस ऑफ सप्लाई आसाम है तो आसाम लिखिए। और इसी ड्रॉप डाउन बॉक्स से आपको सेलेक्ट करना होगा। ये बहुत सारे डेटा जो हमने पहले से एंटर किया हुआ है, ये आपको समझाने के लिए है। और अगर इंट्रा है तो इंटर, इंट्रा इंटर है तो इंटर, ये भी आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और रेगुलर इन्वॉइस, SEZ सप्लाई, SEZ डीम्ड एक्सपोर्ट, ये सब डिटेल आपको इन्वॉइस में ही मिलेगी। तो ये शीट सिर्फ आपको इनवॉइस की डिटेल इसमें एंट्री करवाता है और कुछ नहीं करवा रहा है। ई कॉमर्स के थ्रू बेचा है तो ई कॉमर्स का डिटेल, और ई कॉमर्स का नंबर आप जैसे ही यहां लिखेंगे और ये ऑटोमेटिकली ई हो जाएगा। रेड में आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैं आपको एक दिखाता हूं, तो ये ई हो गया। आपका इनवॉइस नंबर, जो भी आपका इनवॉइस नंबर है वो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ इनवॉइस, सब कुछ इनवॉइस के डेटा है यहां पर। रिवर्स चार्ज एन, तो रिवर्स चार्ज यस और नो, और जनरली नो ही रहेगा। और टैक्सेबल वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा यहां पर। मैं आपको कुछ चीजें आपको समझा देता हूं। टैक्सेबल वैल्यू यहां पर, जैसे एक ही इनवॉइस पर अगर आपने सिंगल प्रोडक्ट बेचा है तब तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन एक ही इनवॉइस पर अगर आपने दो दो प्रोडक्ट बेचा है जिसका रेट अलग अलग है, तो आपको वो प्रोडक्ट वाइज यहां पर एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे यहां पर देखिए 429, मैं इसको है ना एक बार कॉपी करके यहां भी 429 कर देता हूं। ठीक है, 11-11 जुलाई। अब इसको आप, अगर आपके पास ये इनवॉइस है जिसमें इनवॉइस नंबर सेम रहेगा, डेट सेम रहेगा, और आपने क्या किया कि जींस भी बेचा टॉय भी बेचा, जींस पर रेट 28% है और टॉय पर रेट 12% है, और इसकी वैल्यू मान लीजिए 500 रुपये है। ठीक है, ये अपने आप बाकी सारा कुछ चेंज कर लिया। तो यहां पर ये जो इनवॉइस वैल्यू आया 840, वो कैसे आया होगा, 219 प्लस 500 प्लस टैक्स अमाउंट
और सेस है तो सेस भी जोड़ देना, सेस अमाउंट वही आएगा। तो ये देखिए 840.32 आ रहा है, यहीं पर 840.32 दोनों जगह आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि इनवॉइस वैल्यू ये अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। मान लीजिए मैं ये इनवॉइस नंबर को चेंज कर देता हूँ, देखिए कैसे चेंज हो जाएगा, ये फॉर्मूला इस तरह से बनाया गया है तो ये चेंज हो जा रहा है। ये अब देखिए आप, ये 280 अलग कैलकुलेट कर रहा, 560 अलग कैलकुलेट कर रहा। ये इनवॉइस वैल्यू का इंपॉर्टेंस बी टू बी में नहीं है, इनवॉइस वैल्यू का इंपॉर्टेंस सिर्फ बी टू सी एल और बी टू सी एस में है, क्योंकि इनवॉइस वैल्यू के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि ये अगर 2.5 लाख से ऊपर है, इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है और इंटरेस्ट रेट सेल है तो बी टू सी एल में जाएगा, वरना बी टू सी एस में जाएगा। इसीलिए इनवॉइस वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब आप और कितनी क्वांटिटी आपने बेची है वो भी आपको यहां लिखना पड़ेगा। तो मैं आपसे ज्यादा फील्ड नहीं भरवा रहा हूं, बहुत ही कम फील्ड भरवा रहा हूं अगर आप देखेंगे, और मैक्सिमम फील्ड ऑटोमेटिक ये भर रहा है ड्रॉप डाउन मेनू से, इसलिए आपको टाइप करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी। जैसे ही आप ये पूरा भर लेंगे आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस, अगर आपको अपने क्लाइंट का B2B, B2CL ये सब रिटर्न भरनी है, GSTR 1 की रिटर्न भरनी है, तो आप एक एक इनवॉइस को देख के डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। या तो सॉफ्टवेयर आप महंगे महंगे खरीदिए, 25,000, 30,000 रुपया, 20,000, 10,000 इस तरह से, या फिर ये एकदम सस्ता सुविस्ता का एक्सेल शीट खरीद लीजिए जिसमें आपको सिर्फ आपको डेटा, इनवॉइस के डेटा यहाँ पर पेस्ट करना होगा। जैसे ही पेस्ट करेंगे आप देखिए ऑटोमेटिकली ये B2B जहां जहां इसको जहां जाना है वो वहां वहां चला जाएगी, और यह इनवॉइस एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे गवर्नमेंट ने एक्सेल का वर्कबुक निकाला है, एक्सेल शीट निकाली है, वैसे ही अरेंज्ड है, उसी फॉर्मेट में अरेंज्ड है। आपको सिर्फ करना क्या है, जो ये वाला पूरा का पूरा रेंज कंट्रोल सी और अपने गवर्नमेंट के एक्सेल के वर्कशीट में कॉपी पेस्ट करना है, उसके बाद का प्रोसेस आपको पता ही होगा। फिर B2CL भी बन गया, जो भी 2.5 लाख से ऊपर है इनवॉइस वैल्यू, जिसकी भी 2.5 लाख से ऊपर है वो आ गई। B2CS भी बन जाएगा। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखला देता हूं कैसे ऑटोमेटिक है। मान लीजिए मैं यहां पर ये डेटा, ये पूरा का पूरा डेटा एज इट इज, ये भी ये डेटा मैं पहले यहां पर प्रोटेक्शन लगा हुआ है इसीलिए इसको मैं यहां पेस्ट करता हूं। फिर ये भी कॉपी कर दिया, ये सारा डेट मैंने 29 जुलाई का डाल दिया। मैं कोई भी एक वैल्यू, मान लीजिए 5,000 की वैल्यू, सब जगह मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ये कर दिया। ये प्रोडक्ट जैसे ही मैं यहां पर कॉपी पेस्ट करूंगा, ये आप सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली बाकी सारा कुछ कर लेता है, क्योंकि ये मास्टर डेटा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब हाइड रहेगा आपको जब मिलेगा, तो आप इसमें जितने भी पुराने डेटा हैं उन सबको आप डिलीट कर लेना। ये सब मैंने रफ डेटा डाला हुआ है, तो ये डेटा आप जैसे जैसे आप डालते जाएंगे वैसे वैसे वो भरता जाएगा। तो फिर आपको सेलेक्ट करना है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया, ये सब कुछ अपने आप कैलकुलेट कर लिया। और यहां मैं क्वांटिटी डाल देता हूं, 5, 6, 8 कोई भी एक इमेजिनरी नंबर फिलहाल, तो आपको तो इनवॉइस में देख के डालना होगा, ये मैंने डाल दिया। अब आप देखिए B2B में मैंने जितने भी एक्स्ट्रा डेटा डाले थे, ये वाले 29 से लेकर 38 पहले से था तो 33 ये सब डाला था, ये देखिए अपने आप ये पूरा शीट भर गया, 38 तक आ गया। तो जैसे जैसे आप भरते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली भरता जाएगा, इसलिए आपको कहीं कुछ नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको HSN भी दिखला देता हूँ। ये देखिए HSN जितने भी हैं, डिस्क्रिप्शन ये एग्जैक्ट वही है, टोटल क्वांटिटी, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स, ये अपने आप सब कुछ कैलकुलेट कर रहा है। मैं आपको एक क्वांटिटी ये वाला 4152 को चेंज करके दिखलाता हूँ। देखिए 4152 हमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, 4152 कहाँ लिखा हुआ है, 41 ऊपर होगा, ये रहा ऊपर जींस है, तो मैं इसकी क्वांटिटी को 25 की जगह 50 कर देता हूं। ठीक है, अब मैं HSN में जाता हूं, 415258 है, अब मैं इसको 60 करता हूं ताकि याद रहे, पहले याद नहीं था, इसको मैं 52 कर दूंगा तो उधर 60 हो जाना चाहिए, आइए देखते हैं। तो ये 60 हो गया। तो एक एक चीज अपने आप कैलकुलेट हो रही है, आपको
कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी इस शीट को यूज करने में। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया। अब मैं आपको B2CS बता देता हूं। ये B2CS है, ये B2CS जो है इसमें कौन सा डेटा आ रहा है, इसमें वो डेटा आ रहा है जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, चाहे कितने भी वैल्यू हो, 2.5 लाख से ऊपर हो या 2.5 लाख से नीचे है, वो यही आएगा। किसके बेसिस पे? इनवॉइस वैल्यू के बेसिस पे। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है 2.5 लाख से नीचे वाली है तो वो भी यहीं आएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसको ऑटोमेट करना और जरूरी है, अभी कर नहीं पाए लेकिन इससे भी आपका बहुत अच्छी तरह से काम हो जाएगा। आप ये जो भी डेटा यहां पर, ये फिल्टर जो हमने लिखा हुआ है, आप देखिएगा 22 छत्तीसगढ़ 28E, तो ये यूनिक डेटा है। 22 छत्तीसगढ़ 28 रेट आ गया, ये ई, तो ये जोड़ के यहां लिखा हुआ है। फिर इसके अगेंस्ट टैक्सेबल वैल्यू लिखा हुआ है, सेस अमाउंट और ई कॉमर्स से है तो इसलिए ई लिखा हुआ, नहीं तो अदर देन ई कॉमर्स होता, यहां पर नंबर नहीं है। आपको क्या करना है, इस डेटा को यहां पर कॉपी करना है, कंट्रोल सी। मैंने यहां कॉपी पेस्ट B2CS हियर लिखा हुआ है, इसको यहां जाके कॉपी पेस्ट करना है। तो ये मैंने कॉपी किया और यहां जाके पेस्ट कर देता हूं। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको बड़े ध्यान से देखिए। सेलेक्ट द एंटायर रेंज ऑफ डेटा, तो मैंने ये सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया। गो टू डेटा मेनू, ये रहा डेटा मेनू, और अप्लाई रिमूव डुप्लीकेट्स, तो यहां रिमूव डुप्लीकेट्स है। आप देखिएगा तो 22 छत्तीसगढ़ 28 ई, तो अगर ये दो बार आ रहा होगा तो ये रिमूव डुप्लीकेट्स उसको रिमूव कर देगा, तो जो भी आएगा वो रिमूव हो जाएगा। तो अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। तो लेट अस अप्लाई, ये मैंने अप्लाई कर दिया और ये कह रहा है सेलेक्ट ऑल, तो आपको यस सेलेक्ट ऑल ही करना है और ओके कर देना है। वन डुप्लीकेट रिमूव्ड, आप एक बार दोबारा कर लीजिए। नो डुप्लीकेट्स फाउंड, कोई डुप्लीकेट नहीं है। अब ये यही वाला डेटा आपके एक्सेल वर्कशीट में जाएगा, ये फिल्टर वाला डेटा नहीं जाएगा, सिर्फ ये वाला जाएगा। इसी को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और वहां पेस्ट कर दीजिएगा, फिर अपलोड कर दीजिएगा जीएसटी पोर्टल में। इतना सिंपल है ये और ऑटोमेटिक होगा लेकिन नेक्स्ट वर्जन में होगा, तब आपको ये कॉपी पेस्ट और रिमूव डुप्लीकेट्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल तो यही है, तो कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट होता रहेगा प्रोडक्ट में। तो ये B2CS में आपको सिर्फ B2CS से यहां पेस्ट करना है, तो यहां डेटा आएगा, आपको यहां से डेटा उठाना है, यहां पेस्ट करना है, ये चार स्टेप फॉलो करना है बस, और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और ये शीट आप खरीद सकते हैं, YouTube के लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, और मेरे वेबसाइट में भी है, taxbykk.com में भी।